एटीट्यूड, ठीक है, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ और विशेषताएं। एटीट्यूड क्या होता है, हिंदी में अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहा जाता है इसको, ठीक है। एटीट्यूड्स आर सेंट्रल कंस्ट्रक्ट्स इन सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेन बात है एटीट्यूड, एटीट्यूड है, एट्रीब्यूशन है, लीडरशिप है, सोशल बिहेवियर हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट हैं सोशल साइकोलॉजी, विशेष कॉन्सेप्ट। सोशल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो एटीट्यूड ज़रूर पढ़ोगे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की बात ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी में ही एटीट्यूड भी आपका विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसका क्या वह है, ये ह्यूमन बिहेवियर को सेव करने में, दुनिया को देखने में, हम लोगों को कैसे परसीव करते हैं, कैसे उनका निर्धारण करते हैं, सोशल बिहेवियर हमारा कैसे निर्धारित होता है, एटीट्यूड के बाद ही सोशल बिहेवियर बनता है। जैसा आपका नज़रिया होगा देखने का, वैसे व्यवहार करोगे लोगों से आप। तो सोशल बिहेवियर को डेवलप होने में, उसका दिशा का निर्धारण होने में एटीट्यूड का ही योगदान है। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ। हाँ, तो उसी का ही, और किसका मूल्यांकन करना, एटीट्यूड होता है हमारा नजरिया, पॉजिटिव नेगेटिव तो आगे की बात हो गई, ठीक है। देखने का नजरिया कहते हैं मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक भाषा में उसको कहेंगे। वैसे तो एटीट्यूड ईगोइस्टिक, उसमें कहते हैं भाई एटीट्यूड मत दिखा अपना, तो सामान्य बोलचाल में जो होता वो एटीट्यूड नहीं होता शर्मा जी, ये एटीट्यूड थोड़ा दूसरा टाइप का है मनोविज्ञान का। ये एटीट्यूड हमारी मनोवृत्ति अभिवृत्ति, किस तरह हम उन्मुख हैं, क्या हमारा सोच है, क्या सोच का पैटर्न है, क्या हमारा नज़रिया है, उस पर है मनोविज्ञान का जो एटीट्यूड होता है, ठीक है। वो सामान्य बोलचाल में जो यूज होता है वो अलग होता है, ठीक है, वो तो भाषाओं में चलता रहता है। तो सेंट्रल कंस्ट्रक्शन एटीट्यूड रिफर्स टू एन इंडिविजुअल ओवरऑल एवोल्यूएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप और कॉन्सेप्ट। तो ये जो है हमारा ओवरऑल इवेल्युएशन है, किसी भी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु के लेके धनात्मक या ऋणात्मक रूप से जो हमारा मूल्यांकन होता है उसको एटीट्यूड कहते हैं। आप या तो मेरे प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया रखोगे या नेगेटिव रखोगे या न्यूट्रल रखोगे, ना अच्छा है ना बुरा है भाई, तो भाई अच्छा है ये, ठीक है ये, बेकार है भाई, खाली बड़बोला है जो है, या कहोगे भाई बोलता नहीं है इसलिए अच्छा है, अगर तुम कम बोलने वाले हो, ज़्यादा बोलता है बातों नहीं है। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी बहुत से कारक होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे हम। एटीट्यूड क्यों बनता है, कैसे डेवलप होता है, नकारात्मक कैसे बनता है, सकारात्मक कैसे बनता है, ये सब चीज़ें एटीट्यूड फॉर्मेशन में आप पढ़ोगे। दे आर फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ द एटीट्यूड। तो ये जो फॉर्मेशन होता है एटीट्यूड का, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया भी इसमें इन्वॉल्व होती है, और व्यक्ति के विचारों को, उसकी भावनाओं को और उसके कार्यों को प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के प्रति। आपका जैसा एटीट्यूड होगा किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति, तो आपका विचार भी वैसा बनेगा, आपका व्यवहार भी वैसा बनेगा, आपके एक्शन भी वैसे होने लगेंगे उसके प्रति। नकारात्मक रवैया रखोगे तो उससे बात भी तो वैसे करोगे, एक्शन भी वैसे करोगे। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का बहुत ही एक विशेष योगदान है मनोविज्ञान। अब इसके भाई विशेषताएं क्या हैं या इसके तत्व क्या हैं जो इससे जुड़े हैं। पहला इसमें इवेल्युएटिव होता है, मूल्यांकन करना इसका एक कोर, इसका एलिमेंट है, ये मूल्यांकन करता है। एटीट्यूड में एक छुपी हुई बात होती है, मूल्यांकन। एटीट्यूड मीन्स मूल्यांकन, इफ यू से इन दैट वर्ड इन अनदर वर्ड इट इज जस्ट एन इवेल्युएशन, मूल्यांकन है। इधर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसके प्रति, किसी व्यक्ति या स्थान या व्यक्ति वस्तु के प्रति। एटीट्यूड आर इवेल्युएटिंग इन नेचर,
एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव इन नेचर, मूल्यांकन करने वाले होते हैं स्वभाव, मतलब एटीट्यूड मीन्स यू आर मेकिंग एन इवेल्युएशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग इन्वॉल्विंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव जजमेंट टूवर्ड्स द टारगेट। मूल्यांकन होगा या तो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिव होगा किसी टारगेट को लेके। अब टारगेट जो हो सकता है, हमने बात कर ली, किसी व्यक्ति को लेके होता जाता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वही व्यक्ति ही होगा, कोई वो चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, इंडिविजुअल्स में हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स रिसाइकिलिंग, वीइंग इट एज इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, और नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स स्मोकिंग, कंसिडरिंग इट हार्मफुल टू हेल्थ। तो इस एग्जाम्पल में क्या बताना चाहा है कि व्यक्ति जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता है किसी रिसाइकलिंग प्रोसेस को लेके, कूड़े का रिसाइकल होना चाहिए, तो इस बात को लेके जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता होगा वो कहेगा भाई अच्छी बात है, रिसाइकल होगा, इससे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बात है। जो व्यक्ति इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होगा वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा इसको लेके, और नेगेटिव एटीट्यूड होगा अगर स्मोकिंग को लेके, कंसिडरिंग इट हार्मफुल टू हेल्थ। आधार भी होना चाहिए एटीट्यूड के पीछे, ठीक है। आधार क्या है? इन्वायरमेंटल की हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस हो तो आप कहोगे भाई रिसाइकलिंग होनी चाहिए, कूड़ा वूड़ा ढेर ना फेंकें, ऐसे सूखा कूड़ा एक तरफ हो, गीला कूड़ा एक तरफ हो। अगर आप इन्वायरमेंट को लेके पॉजिटिव होंगे तब, हेल्थ को लेके पॉजिटिव होंगे तो आप स्मोकिंग को नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे भाई स्मोकिंग गलत है, ख़राब है, तो आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, इसलिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है स्मोकिंग को लेके, ठीक है, और लर्नड होता है, सीखा हुआ होता है, ये सीखा गया हुआ ज्ञान है एटीट्यूड, बाय बर्थ नहीं है, बचपन से पैदा होते ही आप किसी को अच्छा बुरा नहीं एवेल्युएट करते हो, सीखते हो, समाज में सीखते हो, परिवार में सीखते हो, खुद के अनुभवों से सीखते हो। तो एटीट्यूड आर एक्वायर्ड थ्रू वेरियस सोर्सेस सच एज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन एंड मीडिया एक्सपोजर। मीडिया एक्सपोजर मीन्स जो आप यूज कर रहे हो सोशल मीडिया में, जो आप जुड़े हो इससे सीख रहे हो ना सारी चीज़ें, दे कैन बी लर्नड एंड मॉडिफाइड ओवर टाइम थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक कंडीशनिंग। कंडीशनिंग से हम सीखते हैं, एक वस्तु को या एक घटना को दूसरी घटना से एसोसिएट करते हैं, जब हम भाई ये चीज़ आई तो अब ये चीज़ भी आएगी, एसोसिएशन के थ्रू हम सीखते हैं, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, और कम्युनिकेशन विद अदर, कम्युनिकेट करके सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करके, बातचीत करके हम सीखते हैं। और दूसरा होता है स्टेबल और एंड्यूरिंग होता है, स्थिर और स्थायी होता है एटीट्यूड, स्थिरता होगी, स्थिर रहेगा जो एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, बदलना काफ़ी इसको थोड़ा टिपिकल कार्य होता है। एट यू आर रिलेटिवली स्टेबल एंड एंड्यूरिंग, ऑल दो दे कैन बी चेंज ओवर टाइम विद ए न्यू एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन, हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका जो नेचर होता है वो स्थायी होता है। एटीट्यूड जब आप फॉर्म कर लोगे किसी चीज़ को लेके आप, तो बड़ी ही मुश्किल से बदलता है। हो सकता है किसी कम्युनिटी को लेके, आपके समुदाय को लेके नेगेटिव एटीट्यूड है आपके अंदर, किसी आपके घटना के कारण, या किसी विशेष आपके गुणों को लेके, आप जिस समाज से आते हो उस बिलोंग करते हो उस आधार पर आप नेगेटिवली इवेल्युएट करते हो, तो एकदम बदलने वाला नहीं है, बदलेगा नहीं, हो सकता है बदल जाए, आपके अनुभव आए जीवन में, आपके नया नज़रिया आपके अंदर पैदा हो, तब हो सकता है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल और एंड्यूरिंग होता है। एंड्यूरिंग मीन्स इसमें ड्यूरेशन हो, स्थिरता हो, समय के साथ टिकाऊपन हो, जिसमें मल्टी डायमेंशनल भी होता है, बहुआयामी होता है, इसके कई कई डायमेंशन होते हैं इसमें, डायमेंशंस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके पहलू होते हैं इसमें, क्या होते हैं, कॉग्निटिव बिलीफ्स होते हैं इसमें, थॉट्स अबाउट द टारगेट होते हैं, उसके प्रति आपके किसी कम्युनिटी को लेके या किसी व्यक्ति को लेके आपके बिलीफ होंगे, टारगेट उसको लेके विश्वास आप पहले से रखते हो, तब आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है, इफेक्टिव होता है, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं किसी ने आहत की हैं तो हो सकता है नेगेटिव एटीट्यूड आपका फॉर्म हो गया,
आप किसी ने प्रेज किया तो पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म आपके अंदर हो गया उसको लेके, ठीक है। और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं इसमें, ठीक। किसी विशेष परिस्थिति में आप इसी रूप में ही व्यवहार करते हो। अगर आपसे कोई ऐसा कुछ कहे उस व्यवहारात्मक स्थिति में, आपके नेचर वैसा ही है व्यवहार करने का, तो आप बदलोगे नहीं, उसी के ही खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड अपना बनाओ। अब कहें अपना बिहेवियर बदल भाई, तो भाई मैं नहीं बदलता, इसका मतलब तू ही बेकार है। अच्छी बात होगी बदल लोगे तुम, ठीक। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, मीन्स कॉग्निटिव इफेक्टिव और बिहेवियरल लेवल पर भी जो काम होते हैं उनका प्रभाव होता है इसमें। मनोविज्ञान जब पढ़ोगे तो तीन चीज़ हमेशा सुनते रहोगे, तब तक पढ़ोगे ए बी एंड सी। गाड़ी चलाते हो तो क्या क्या चीज़ सुनते हो? गाड़ी जब चलाओगे बैठोगे, ड्राइवर साहब सिखाएंगे तुम्हें, कहेंगे बेटा ए बी सी पढ़ी है कि नहीं तूने, ए बी एंड सी। ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक, सी का मतलब क्लच। तीन चीज सीखी होगी तब गाड़ी में बैठोगे। ऐसे ही मनोविज्ञान में जब ए बी सी आएगी तब मनोविज्ञान में पढ़ोगे। वो ए बी सी क्या है? ए मीन्स एफेक्ट, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस। बी मीन्स व्यवहार, साइंस ऑफ बिहेवियर। सी मीन्स कॉग्निशन, संज्ञान, विचार, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यही मनोविज्ञान है, ए बी सी। तो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स इन तीन स्थितियों पर इसका, हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन का, इन तीन बातों का, तीन डायमेंशन का इफेक्ट होता है, ए का, बी का और सी का। हमारी भावनाओं का, हमारे व्यवहार का, हमारे संज्ञान का, हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन पर इफेक्ट होता है। हमारी भावनाएं धनात्मक हैं, हम पॉजिटिव हैं, ओपन नेचर के हैं, हैप्पी गो लक्की पर्सन हैं, मस्त मौला हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा हमारे सीख, हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन पर, ठीक। और एक बात और है इसमें, ये व्यवहार को प्रभावित करने वाला होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो व्यवहार को ये प्रभावित करता है, कैन इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। एटीट्यूड धनात्मक होगा तो धनात्मक रूप से आपका व्यवहार प्रभावित होगा उस टारगेट ऑब्जेक्ट को लेकर। एटीट्यूड मतलब आपका धनात्मक या नकारात्मक रवैया किसी ऑब्जेक्ट को ले। अगर धनात्मक रवैया होगा तो धनात्मक व्यवहार करोगे, नकारात्मक रवैया हो नकारात्मक व्यवहार करोगे, ठीक है। तो व्यवहार के परिप्रेक्ष्य से समझना बड़ा आवश्यक है मनोविज्ञान में हमने किसी भी चीज़ को। तो एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हाउएवर द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स सच एज सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स, सोशल नॉर्म्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कह रहे हैं एजेन एंड फिशबीन, ये कह रहे हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर का संबंध तो है, अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप है। एटीट्यूड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव है नेगेटिव भी है, संबंध तो है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें इसमें और भी जुड़ी रहती हैं। वो कहते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, तात्कालिक परिस्थिति से भी जुड़ा हुआ फैक्टर होता है। हमारे समाज के क्या आदर्श हैं वो होता है, आपके समाज में जो आदर्श हैं वह भी निर्धारण करते हैं कि आप किसी व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार करोगे। आप अच्छे वेल कल्चर्ड सोसाइटी से हो तो वैसा ही व्यवहार करोगे, एकदम नकारात्मक व्यवहार नहीं करोगे, है ना। और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी प्रभाव पड़ता है इसमें। मैं धनात्मक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं सोशली मिलने वाला हूँ सबसे, एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं, इंट्रोवर्ट हूँ, तो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी हमारे व्यवहार, ऐसा कह रहे हैं ये शोधकर्ता जो हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर कोट हुआ है, हु हैव ए, एक व्यक्ति जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है एक्सरसाइज को लेकर, एक्सरसाइज करने को प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मे बी मोर लाइकली टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, वाइल समवन विद ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट मे बी लेस लाइकली टू वोट फॉर देम इन इलेक्शन। मैं फिजिकल एक्टिविटी को लेके पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँगा, उसको प्रेज करूँगा, नहीं हूँ तो उसका कुछ कमी बताऊँगा, कारण बताऊँगा। ऐसे ही अगर किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को लेके मेरे नेगेटिव एटीट्यूड है तो मेरा व्यवहार क्या होगा? वोट नहीं दोगे ना, व्यवहार प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ एटीट्यूड से? एक्सरसाइज को लेकर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैंने क्या किया? एक्सरसाइज किया।
और नेगेटिव एटीट्यूड है तो नहीं किया। या वोट के सेंस में यहाँ कहा था भाई मैं किसी राजनेता के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड रखता हूँ, तो साफ बात है पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी तो सब इसी के अंदर है। चुनना, हमें अच्छा करना, पसंद करना, हमारी कम्युनिटी से जुड़ा रहता, हमारे वैल्यू से जुड़ा रहता, हमारे नॉर्म से जुड़ा रहता है। जिस समुदाय से आओगे उसको नहीं छोड़ोगे कभी तुम, वोट देते टाइम वो याद ही आता है किसी को भी। तो ये सब इसमें जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड बनता कैसे है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक एटीट्यूड होने के पीछे क्या ऐसे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जो हमने सीखने हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है।